जी शर्मा जी, आज आप कंडेला गांव में आए हैं, कैसा यहाँ पे मान सम्मान मिल रहा है आपको? देखिए, ये आपने स्वयं देखा है कि कैसे INLD और BSP के कार्यकर्ताओं ने, पूरे गांव ने मेरा मान सम्मान किया है और एक एक कार्यकर्ता उत्सुक है वोट देने के लिए। कल हुड्डा साहब ने कहा है कि कांग्रेस और BJP का आपसी मुकाबला है और जो टिकट काटू हो, वोट काटू है, उनसे बच करें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, लोगों को स्वयं पता है कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है और कांग्रेस को वोट मिलने वाले नहीं है। लोकसभा में भी कांग्रेस को तभी वोट मिले जब BJP को डालने के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिला। अब उनके पास विकल्प है INLD और बसपा का गठबंधन, और 5 तारीख को पता लगेगा कि कौन वोट काटू है और कौन वोट कलेक्टिव करने वाला है। कंडेला के लिए जैसे बताया भाई ने, मैं नया नहीं हूँ, मैं परिचित हूँ लगभग सभी से। यहाँ मेरा कंडेला एक फैक्ट्री था, जो फैक्ट्री जिसे कहते हैं फैक्ट्री थी मैंने, आज हम एक कचरे छूटे हैं एक जनता के लिए ही वोट किसको दे। भाई अमित सिंह चौटाला जी ने अपनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के निश्चय किया कि हम ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे निष्ठावान ईमानदार लोगों को अपने विरोधता टिकट देंगे जिसको सुनकर लोग हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को टिकट दूंगा आपको हैरानी हो, तो उनमें से एक दायित्व आप लोगों के ऊपर मेरे माध्यम से अमित भाई साहब ने दिया। शिक्षा का क्षेत्र सभी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य का क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाएं मुफ्त मिले, हर घर में रोजगारों का पढ़े लिखे व्यक्तियों को, जो रोजगार नहीं ले पा रहे तब तक नहीं मिलता 21,000 को बेरोजगारी खत्म मिले, हमारी बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल के लिए, सभी कन्याओं के लिए शादी के लिए निश्चित राशि निश्चित रूप से करेंगे, और जहाँ तक विकास की बात है विकास की घड़ियाँ लगा दी। शाम तक अगर मैं गिनाने लगूँ तो इतने हमारे सामने कार्यक्रम है DHC INLD के, वो सब आपको पेपर में पढ़ते ही रहते हैं, हमारी टीम ने सबको बताया ही नहीं है। तो मेरा निवेदन ये है कि इनेलो और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं नंदन नाथ शर्मा जी, जो आपके सामने, मैं आज निवेदन करता हूँ आपका एक वोट, आप अपना परिवार और पूरा कंडेला गाँव DHC INLD के प्रशासन को